तेजस 24 में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में फिर बेकाबू हुई है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे का आंकड़ा आपके सामने, 1485 नए मामले सामने आए, 1485 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 4.89% तक पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5716 हो गई है। देखिए, पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोरोना के मामले कहीं पर आ रहे हैं सामने तो वो है देश की राजधानी दिल्ली। रोजाना 24 घंटे का ये आंकड़ा है कि 1000 से ज्यादा यानी कि 1500 के आसपास नए मामलों की पुष्टि हो रही है। कोरोना जो संक्रमण दर है वो आप देख रहे हैं, दिल्ली में बेकाबू हो रही है कोरोना की रफ्तार। ऐसे में न्यूज 24 लोगों से अपील करता है कि गर्मी का भी मौसम है, इधर कोरोना भी पैर पसार रहा है, तो आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मास्क का इस्तेमाल आप करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उनका भी पालन करें। 24 घंटे का अपडेट न्यूज 24 आपको बता रहा है, कोरोना संक्रमण दर 4.89% तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में फिर से कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 1485 नए मामले मिले हैं। 9 फरवरी के बाद इस सबसे ज्यादा एक्टिव केस माने जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार भी इस मामले में चिंतित है और लोगों से सहयोग करने की अपील भी की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार से दहशत पैदा होने लगी है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान 107 सक्रिय मामले बढ़ने के बाद इनकी संख्या 5716 हो गई है। हरियाणा में सक्रिय मामलों में 90% की वृद्धि हुई है। राज्य में इस समय 2528 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में 52 की कमी होने से इनकी संख्या 2810 हो गई है, जबकि 36 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के नए मामले में एक दिन पहले के मुकाबले कुछ कमी आई है। रविवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 3324 नए मामले मिले हैं और 40 मौतें हुई हैं, जिनमें से 36 मौतें केवल केरल से हैं। शनिवार को 3688 केस मिले थे और 50 मौतें हुई थी। सक्रिय मामले बढ़कर 19092 हो गए हैं। इधर कोरोना के टीके लगवाने की संख्या बढ़ने से महामारी से मुकाबला करने में मदद मिल रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर आई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामलों में मौजूदा तेजी को महामारी की चौथी लहर नहीं ठहराया जा सकता है। जिला स्तर पर ही संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि देश चौथी लहर की तरह बढ़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में ही केस बढ़ रहे हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि पूरा राज्य महामारी की चपेट में है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है।